नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज स्पेशल एडुकेटर का जो एमसीडी में पेपर हुआ था उसका हमने फर्स्ट पार्ट जो जीके का है वह डाल दिया है। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो देख सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दिया है, उसको देख सकता है। अब सेकेंड पार्ट करते हैं हिंदी। हिंदी आसान आई हुई थी, कोई मुश्किल नहीं थी। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशेषण बताना है, राम अच्छा लड़का है, तो इसमें विशेषण क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। दूसरा है, सेना का बहुवचन बताना है, सेना एक ग्रुप है, ग्रुप का मतलब बहुवचन, तो सेना का सेना ही बहुवचन रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? बी इसका राइट आंसर रहेगा, सेना का। ठीक है, चूहा का स्त्रीलिंग बताना है, तो चूहा का चूहिया हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है संधि बतानी है कि देव प्लस ईश देवेश, इसमें कौन सी संधि है? तो देवेश में गुण संधि है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मीठा का भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो मीठा की भाववाचक क्या हो जाएगी? मिठास हो जाएगी। हमने संज्ञा का चैप्टर डाला था, उसमें एज इट इज दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सरला फल खाती है, इसमें कर्मवाचक के रूप में बताना है। ठीक है, तो इसका पहला है सरला ने फल खाया, गलत हो जाएगा क्योंकि कर्मवाच्य के रूप में बताना है। सरला फल खाएगी, ये भी गलत है। सरला फल खाई, ये भी गलत है। सरला से फल खाया जाता है, यह कर्म है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में कारक बताना है, तो राम ने कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका क्या आंसर रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला है चंद्र सा मुख, चंद्रमुख में कौन सा समास है? वैसे तो चंद्रमुख में जो कर्मधारय समास होता है, पर कर्मधारय इसने ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा? बहुबरी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो किसी के उपकार को याद करता हो उसे क्या कहते हैं? हम कृतज्ञ कहते हैं, इसका बी आंसर राइट रहेगा। ठीक है, अब मिलान करना है, ये आपने दे रखा है, मक्खियाँ टरटराती हैं, हिन हिनाती हैं, मियाती हैं, बिन बिनाती हैं, तो अब आप देख सकते हो इसको, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ए रहेगा। ठीक है, इनको मिलान करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी विलोम शब्द का मिलान करना है, तो पूछा उसने कि सद्वा का विलोम क्या होगा, सद्वा का विलोम क्या होगा? सद्वा का विद्वा रहेगा। ठीक है, स्तुति का विलोम क्या रहेगा? निंदा रहेगा। जड़ का विलोम क्या रहेगा? चेतन रहेगा। और शोषक का विलोम क्या रहेगा? पोषक रहेगा। तो इस अनुसार से इसका राइट आंसर बी बन जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे मुहावरा बताना है, दबे पांव आना, तो दबे पांव आने का मतलब है चुपचाप आना, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर मिलान बताने हैं कि वस्त्रों का कुंज का इस तरफ चार दे रखे हैं और इस तरफ भी चार, इनको हम मिलान करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? वस्त्रों का क्या होता है? गट्ठर होता है। ठीक है, ऊँटों का क्या होता है? काफिला होता है। ठीक है, लताओं का क्या होता है? कुंज होता है। और फूलों का क्या होता है? गुच्छा होता है। तो इस अनुसार इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची ऑप्शन में दिया नीरज, तो नीरज ही पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है अशुद्ध वाक्य चुनिए, तो अशुद्ध वाक्य में इसने दे रखा है राम ने किताब खरीदी, मैं ने घोड़ा देखा, सीता ने खाया, राम एक किताब लाया, तो इसका अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। तो 75 का क्या आंसर रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीता किताब पढ़ेगी, वाक्य में सामान्य भूतकाल बताना है, तो सामान्य भूतकाल में सीता किताब पढ़ती थी, नहीं गलत रहेगा, सीता किताब पढ़ती होगी, ये भी गलत रहेगा, सीता किताब पढ़ती है, यह भी गलत रहेगा, सीता ने किताब पढ़ी, यह ठीक रहेगा,
तो सामान्य भूतकाल में इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। शुद्ध वाक्य बताइए, गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। राम ने लिख चुका, ये भी गलत हो जाएगा। मैं तुमको देखा, ये भी गलत हो जाएगा। मोहन ने रोटी खाई, ये ठीक हो जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। 57 को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? तो इसका आंसर सी रहेगा। शुद्ध रूप बताना है तो इसका ए आंसर रहेगा, कहाँ पूजा हंसना, तो इसका शुद्ध रूप क्या रहेगा? ए रहेगा। प्रबल शब्द में पर क्या है? तो प्रबल शब्द में पर जो है यह उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्यय का मतलब जो होता है पीछे लगता है, उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगता है। तो प्रबल पर कहाँ लगा हुआ है? आगे, तो उपसर्ग क्या हो गया? पर हो गया, ठीक है। तो इस अनुसार आपने हिंदी देखी, आसान आई हुई थी, हिंदी इतनी मुश्किल नहीं थी, ठीक है। जीके भी हमने कर ली है, तीसरे पार्ट में हम मैथ या रीजनिंग पार्ट वाइज डाल रहे हैं, देख सकते हैं, और जीके का हमने लिंक नीचे दे दिया है, या वैसे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।